Good morning to all my dear students. I am narayani Singh, and uh, our today's topic is animal world. This video is for class five. Please listen, and uh, I hope uh, after uh, my class you will get better. Animals are found in nearly all parts of the earth, including land, water, air, and trees. जानवर दुनिया के सभी भागों में रहते हैं पृथ्वी के सभी भागों में रहते हैं जगह जगह पर रहते हैं हर तरफ़ फैले हुए हैं कुछ उसमें से टेरेस्टेल होते हैं यानी कि वो ज़मीन पर रहते हैं कुछ पानी में रहते हैं कुछ हवा में उठते हैं कुछ पेड़ पे रहते हैं जैसे कि इंसान आपका ज़मीन पे रहता है जो भी आपके गाय भैंस जो भी हैं सब कुछ ज़मीन पे रहने वाले हैं मछलियाँ हैं आपकी पानी में रहती हैं और पक्षियाँ हैं वो जो हवा में उड़ते हैं जैसे बंदर हुए या फिर पक्षी हुए जो भी हैं वो सब पेड़ों पर पे भी रहते हैं द सराउंडिंग एंड विच द एनिमल्स ग्रो इज़ कॉल्ड दर इन्वायरमेंट वो जगह वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स ग्रो करते हैं यानी कि पैदा होते हैं बड़े होते हैं उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट सबका इन्वायरमेंट तो एक होता नहीं है जाहिर सी बात है अभी आप इंसानों में ही ले लेंगे तो जगह जगह के इंसान होते हैं कई के लोग गोरे होते हैं यू एस ए साइड के हम लोग होते हैं हम लोग गोरे भी होते हैं काले भी होते हैं बट उन लोगों की तरह गोरे नहीं होते जैसे साउथ अफ्रीका के होते हैं नाइजीरिया के होते हैं सब वो लोग दूसरे टाइप के होते हैं वो लोग लो काले भी होते हैं तो जिसका जैसा इन्वामेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है इंसान भी होता है या फिर कोई भी जीव जंतु होता है जैसे कि ऊँट होता है ऊँट रेगिस्तान में होता है वो पानी कम पीता है उसके अंदर ऐसी कैप्सुलटी होती है कि वो पानी को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकता है हर जगह की हर अपने जीव जंतु के उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग उसके आ, मतलब लाइफ स्टाइल होती है डिफरेंट देर फूड हैबिट्स वी हैवियर एंड बॉडी फीचर्स देम टू लीव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उनके खाने का रहन सहन उनका व्यवहार उनके शरीर की बनावट उनको वो लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ढालने के लिए सुटेबल होता है मतलब उन उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए क्या करता है एक कंफर्ट uh, देता है जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी uh, अपने उस एन्वायरमेंट में रह सकते हैं एरिया वेर ए पर्टिकुलर एनिमल नेचुरल लीव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेड वो जगह जहाँ पे किसी भी जानवर का निवास हो वो उसका हैबिटेट कहलाता है लेट्स नो अबाउट डिफरेंट फीचर ऑफ़ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स चलिए हम जानते हैं जानवरों के कुछ हैबिटेट्स के बारे में उन हैबिटेट्स के बारे में उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल हर जीव जंतु की हर जंतु की जो बॉडी कवरिंग होती है हो, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है जैसे कि मछली को ले लीजिए मछली क्या होते है मछली के शरीर पे स्केल्स होते हैं इनफैक्ट जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में भी uh, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग द बॉडी कवरिंग है एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और ये जो इनकी बॉडी कवरिंग होती है जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी कवरिंग होती है उनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे हैबिटेट में रहते हैं और उनके लिए क्या सुटेबल रहेगा इसी अकॉर्डिंग नेचर ने उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी तैयार किया रहता है लेट इस नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ सम कॉमन एनिमल हम कुछ कॉमन सामान्य जंतुओं के बारे में जान जानेंगे जिनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे फिश को ले लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल फिश रहेगा फिश द बॉडी ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ फ्लैक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स रेप्टाइल्स लाइक स्नैक्स क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड ऑल्सो है फिश की बॉडी क्या होती है एक फ्लैक्सीबल ओवरलैपिंग स्केल यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे स्केल्स उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं देखते हैं जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में छोटा बोलते हैं तो उससे वो ढकी रहती है होता है ऐसे ही होता है सांप वगैरह देखेंगे जो भी रेप्टाइल्स होते हैं रेंगे चलने वाले सांप होते हैं क्रोकोडाइल्स होते हैं लिजार्ट्स होती हैं छिपकलियाँ होती हैं इनके बॉडी पर भी क्या होता है स्केल्स होते हैं बट सबके एक समान नहीं होते सबके एक जैसे नहीं होते सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं टर्टाइज स्नैल एंड टर्टल इनके बारे में जान लेते हैं दिस एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाई हार्ट सेल इनकी जो बॉडी का सेल होता है जो शील्ड होती है वो क्या होता है इन लोगों की बॉडी ऊपर से पूरी शील्ड से ढकी रहती है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इनफैक्ट जो आपके टर्टल का, का जो अम, बॉडी का आउटर कवरिंग होता है उससे आपके बुलेट प्रूफ भी बनते हैं सेल्फ प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर और वो जो सेल उनके ऊपर के ऊपर की जो उनकी सेल सील्ड होती है शेल होती है वो क्या करते हैं उनको डेंजर से बचाती है जैसे कि उन लोगों की ऊपर की शैल इतनी हार्ड होती है कि उसके ऊपर अगर हम आ, कोई फोर व्हीलर ट्रक वगैरह भी चला दे तो तो फिर भी वो अपने बॉडी को उसके अंदर पूरा आ, वो कांटेक्ट कर लेते हैं जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वो मरते नहीं हैं उनको उनको कोई डैमेज नहीं होता बॉडी चिड़ियाएँ उड़ती हैं और वो किसके किसके आ, सहारे से उड़ती हैं वो फैदर्स के हेल्प से उड़ती हैं और ये फैदर्स जो होते हैं उनको हीट भी हीट भी प्रोड्यूस कराते हैं प्रोवाइड कराते हैं और ठंडी के दिन में क्या होता है आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो उनके जो फैदर्स होते हैं वो थोड़ा वो मतलब खुले खुले से हो जाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी पूरी तरह से गर्म रहती है शिप एंड बियर शिप एंड बियर के बारे में जान लेते हैं आप लोग जनरली भेड़ वगैरह तो अपने घर के आसपास भी देखते होंगे क्या इसकी बॉडी पे पूरा uh, मोटा सा वो लेयर चढ़ लेर जैसा होता है बालों का शिप एंड बियर्स प्रोसेस स्पेशल बॉडी कवरिंग इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है बहुत ही स्पेशल uh, टाइप होती है दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन जो कि उनको बहुत गर्मी और बारिश दोनों से बचाती है ब्रीथिंग इन एनिमल्स अब एनिमल्स के ब्रीथिंग के बारे में जान लेते हैं ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथिंग सारे जानवरों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने की ज़रूरत होती है सारे जीव जंतुओं को सांस लेने की ज़रूरत होती है एक्सेप्ट ऑफ वायरस क्योंकि वायरस जो होता है रेस्पायरेशन नहीं करता है जो भी आपके माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं उसमें कुछ होते हैं जो कि रेस्पायर नहीं करते हैं बट वो सब एक्सेप्शनल होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन बर्न द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है जब हम इन करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है हमारे फूड uh, मॉलिक्यूल्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करता है और उसको बर्न करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है विच एन एनिमल यूज यूजेस फॉर वेरियस परपज जिसके लिए जिसका यूज़ एक एनिमल बहुत सारे उद्देश्यों के लिए करता है हम लोग दौड़ते हैं खाते हैं जो भी करते हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उन सब के लिए क्या ये यही जो एनर्जी होती है वो यूज़ होती है एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड पानी से हवा से जो भी इनके चारों तरफ होता है एनिमल्स के वहीं से क्या करते हैं ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वन ऑक्सीजन कॉम्बाइंस विद फूड इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होता है मैंने बताया कि ये क्या करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है तो जब ये कंबाइन होता है उसके साथ मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और एनर्जी को तो एनर्जी जो होती है हमारे सेल्स में हमारे माइक्रोकॉन्ट्रिया वगैरह में स्टोर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब रीथ आउट करते हैं तो बाहर कर दिया जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रेस्पायरे सेल्स में हमारे माइटोकांड्रिया वगैरह में स्टोर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हम जब रीथ आउट करते हैं तो बाहर कर दिया जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रेस्पायरेशन श्वसन ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने वाले अंग डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रूआउट डिफरेंट ऑर्गन्स बहुत सारे जानवर सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं सब लोग अलग अलग तर, तरीके से रेस्पायर करते हैं और मोस्टली जो डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेवलप आपके एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली लंग्स से रेस्पायर करते हैं टीनी ऑर्गनिज्म लाइक अमोबा एंड पैरामिशियम लिव एंड वाटर एंड ब्रीथ ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस टी यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं ऑर्गनिज्म होते हैं लाइक अमोईबा मैंने बताया था ये माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं ये यूनीसेल होते हैं यानी कि इनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है या एक साथिक भी कभी कभी हो सकती है तो अमीबा पैरामशियम जो होते हैं ये पानी में रहने वाले जंतु हैं सॉरी जीव हैं और ये क्या करते हैं अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रो स्पेशल एयर होस कार्ड स्पायरिकल्स और उनके जो कीड़े मकोड़े होते हैं अपने बॉडी सरफेस से वो करते हैं ब्रीथ करते हैं इनका एक स्पेशल होल होता है इनकी बॉडी में जिसे स्पायरेकल्स कहते हैं दीज आर फाउंड अलॉन्ग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स एक्वाटिक एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश प्रॉन्स क्रैप्स ब्रीथ थ्रो गिल्स जो मछलियाँ होती हैं झींगे होते हैं झींग झींग झींगों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्रैप्स के, केकड़ी वगैरह जो होते हैं इनके गिल्स होते हैं जैसे कि आप लोग जब मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे इसका गलफड़ा बाहर की तरफ निकलता है फिर अंदर की तरफ जाता है क्योंकि उस टाइम इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये एकटिक एनिमल है सो बाहर ये रेस्पायर कर नहीं सकता तो हम उसके ड्यूरिंग देख सकते हैं कि ये से रेस्पायर करते हैं तो जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं मोस्टली क्या करते हैं से रेस्पायर करते हैं गिल्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स और जो रक्त रक्तवाहिकाएँ हैं इनका बहुत ही अच्छा सप्लाई होता है आपके गिल्स में ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एब्जॉर्ब बाय द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पासड आउट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर यानी कि पानी में आप लोग जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O यानी ओ कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन पानी में भी होता है और ये जो पानी में ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है अपने बॉडी के अंदर टैकिंग करता है और फिर और अपने बॉडी से जब आउट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है एम्फीबियंस के बारे में जान लेते हैं एम्फीबियंस यानी कि पानी और पृथ्वी दोनों पर रहते हैं जैसे कि फ्रॉग सैमेंडर्स एंड टोर्ट कैन ब्रीथ आउट ब्रीथ थ्रो देयर लंग्स ये अपने लंग्स से भी क्या कर सकते हैं स्पायर कर सकते हैं ब्रीथ कर सकते हैं एज वेल एज गील्स एंड बॉडी सर्फेस ये अपने बॉडी सरफेस से भी रस ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं इनके बॉडी सरफेस में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं और गिल्स भी होते हैं जिससे कि ये बाहर भी रह लेते हैं पृथ्वी पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं ये फ्रॉग ब्रीथ फ्रो इट्स मॉइस्ट स्किन और जब भी पानी में होता है इसकी इसकी जो स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है यानी कि नम होती है तो इसके द्वारा ये क्या करता है ब्रितिन करता है वैन इन वाटर जब ये पानी में होता है एंड विथ इट्स लंग ऑन लैंड और जब ये जमीन पे रहता है तो ये क्या करता है अपने लंग्स से ब्रीथ करता है थैंक यू और टू डे होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू